आपने देखा होगा कैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं, कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? एक एक लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? एक खटाखट नहीं, एक चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए, कर दीजिए एक बार मौका दे दीजिए, और हमेशा के लिए। याद रखना, याद रखना, जो आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाए, जो आपके विकास में बाधक बने, जो अराजकता का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक हो, गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देता हो, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम लोग एक गलत व्यक्ति को प्रश्रय देते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान को सुधर बर्बाद करते हैं, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम खराब करने का काम करते हैं। ये कोई अधिकार हमें नहीं है, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बलदाऊ जी की कृपा भूमि है, हरिदास जी महाराज की साधना से पवित्र की भी धरती है, इस धरती से संदेश स्पष्ट जाना चाहिए, और वह संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे।